हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग फ़ोन है तो अपने सैमसंग फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर जो हमारा ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम होती है उसका हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने सैमसंग फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में इस प्रकार से शो हो रहे हैं, जिसमें जो हमारे ऑल आइकन्स ओपन हो गए हैं। जिसमें जो हमारा ऑप्शन आता है सेटिंग्स आइकन, हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो हमारे फ़ोन की सेटिंग्स है हमारे फ़ोन में कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाती है, आप देख सकते हैं। तो उसमें जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डिस्प्ले ऑप्शन, तो हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो हमारी डिस्प्ले सेटिंग्स हमारे फ़ोन में ओपन हो गई है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आता है स्क्रीन टाइम आउट, हमें इस पर क्लिक करना है। तो जो हमारा ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जो हमारा ऑटो स्क्रीन का टाइम है उसको हम थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे, जिससे जो हमारा ऑटो स्क्रीन है वो मतलब जल्दी बंद नहीं होगी, सब वो नॉर्मल चाहिए 30 मिनट के अंदर ही ऑफ होगी। तो इस पर अपने फ़ोन की सेटिंग जाकर ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं अपने सैमसंग फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।